तुम्हें किस तरफ जाना है? राइट में जाना है। राइट में जाने वाले आप आगे आकर फ्री लेफ्ट को ब्लॉक क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? आपको ट्रैफिक सेंस नहीं है? सॉरी सर। सर सुबह जॉगिंग करते मैं गिर गया यहाँ पे। सर 5 बजे से चिल्ला रहा हूँ, कोई भी नहीं सुन रहा है। सर मेहरबानी करके मुझे ऊपर उठा लीजिए। सर ये गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सर प्लीज सर आइए। थैंक यू सर। देखा आपने, उन म्युनिसिपैलिटी वालों की गैर जिम्मेदारी से आप गटर में गिर गए थे। ये लोग बहुत गलत करते हैं। इसमें मेरी ही गलती है सर। वो कैसे? यहाँ का इंचार्ज मैं ही हूँ सर। अरे यार, अपनी गलती का एहसास हुआ ना? हो गया सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी सर। मैं ही बंद करता हूँ सर इसे। पहले इसे बंद करो। सर इस गजेंद्र को बचाने वाले आप कौन हैं सर? सिटी सर। सिटी याद है क्या, संडे को डांस? हाय। हे जरा किताब दे। नहीं दूंगी। अरे दे ना। नहीं दूंगी मैं। अरे मस्त है यार, सारी किताब खाली है, देखना जरा मोबाइल देना। नहीं दूंगी मैं, ये मेरे पापा के। अरे दो ना बोला। छोड़ो। अरे बहुत अच्छा है भाई, क्या बात है। अरे आ जाओ मेरी जान। छोड़ो मुझे। बात तो सुन मेरी पहले। थैंक यू सर। सुनिए, यहाँ से पुलिस स्टेशन 5 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ से पुलिस यहाँ आने तक तेरी फ्रेंड को। तो हम क्या कर सकते हैं? आप सभी लोग जा करके उन पर अटैक करके उनको नीचे गिरा के उनका बैंड बजाइए। अगर उस मार से वो नहीं भागे तो मुझे पुकारिए, किसी से डरना नहीं, जाइए। थैंक यू सर। योर गुड नेम प्लीज। सिटीजन। सुपर। सेवन फाइव सेवन फाइव। ए मिस्टर, इस तरह से रास्ता रोककर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मेरी बाइक को तुम्हारी कार ने टक्कर मार दी इसीलिए। तुम्हारी बाइक को मेरी कार ने टक्कर मारी? कब और कहाँ? थोड़ी देर पहले उस होटल के पास। मैंने तुम्हारी बाइक को टक्कर नहीं मारी, समझे ना? टक्कर लगी है इसलिए कह रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हारी बाइक को टक्कर मारी है, तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी। अगर ये बात सच है तो गवाह लेकर आओ, जाओ। तुमने मुझे किस किया? मैंने तुम्हारी किस ली, कब और कहाँ? हेलो, इसीलिए कहता हूँ तीसरा गवाह चाहिए। मैडम, अगर गलती की माफी मांगेंगे तो जीवन खुशहाल होता है। हर चीज का गवाह बुला के कहकर सबको बुद्धू बनाने की कोशिश की तो हम खुद बुद्धू बनेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये शायद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होंगी। क्या हुआ यार, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? पहले तो बाहर से आते ही एकदम खिली खिली लगा करती थी। चुप क्यों हो यार, बोलो ना। अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? आज मेरे साथ अचानक से एक हादसा हुआ। वो सही हुआ या गलत हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इतना घुमा फिरा के क्यों बता रही हो, सीधे से कहो ना कि क्या हुआ, तभी तो मुझे पता चलेगा। तुझ जैसी लड़की को उसने सबके सामने पहली बारी में ही पकड़ के किस कर लिया तो वो कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। नो डाउट ही इज वेरी क्लेवर। इससे पता चलता है कि तेरे दिल में दर्द नहीं है, लव हो गया तुझे। हाँ यार, प्यार क्या होता है ये मुझे पहले कभी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे कि मैं अपने दिल से ही हार गई हूँ। उसने तो मेरे दिल को ही चुरा लिया। तो ठीक है, आगे बढ़ो ना। ओ गॉड, वो कहाँ रहता है पता हो तब ना, क्या करूँ मैं? उसका बाइक नंबर बताओ, एड्रेस मैं पता लगा लूंगी। मेरे पास सिर्फ 2 आंखें हैं, मैं जब उसे देख रही थी तो बाइक का नंबर कैसे देख सकती थी? ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा यार। प्लीज आशा, उसे ढूंढने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। वेरी सिंपल, सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ यार,
जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। इंस्पेक्टर साहब हैं क्या? आप वहाँ जाइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एक गुंडे बदमाश ने दिन दहाड़े मेरी कार रोककर मुझे बाहर निकाला, खुलेआम मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अब अपनी बाहों में लेकर किस करके करने की कोशिश की। ओ, किस एंड केस है क्या? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। वो जहाँ भी रहे पहले उसे अरेस्ट तो कीजिए सर। कैसा दिखता है? वेल बिल्ट, प्लीजिंग पर्सनालिटी, गुड अपीयरेंस, दिखने में एकदम हीरो की तरह लगता है सर। कंप्लेंट लिख कर दीजिए, केस टेक अप करूंगा। कंप्लेंट लिखने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मैंने ही गलत समझा था। क्या हुआ यार? अरे क्या कर रही है, क्या हो गया बोल तो। रामू वो बच्चा तेरी माँ को लग गया। माँ ए चलो, माँ बात करो, माँ माँ बात करो, माँ माँ मुझे देखो देखो देखो, मैं यहाँ हूँ। खड़ा पीछे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मिस्टर, तुम्हारी माँ को इतनी मार लगी तो तुम दुखी हो रहे हो, अगर किसी और को लगती तो उस माँ का बेटा भी दुखी नहीं होता क्या? जी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। ये स्ट्राइक करने के लिए किसने कहा? सर, एक एमएलए ने हम लोग को लालच दिया था सर, ये स्ट्राइक करने के लिए सर। देखो ये बस किसकी है? सरकार की। सरकार किसकी है? अपनी है सर। मतलब अपनी बस को हम ही पत्थर से मारकर बर्बाद करें तो सरकार फिर से नई बस लाएगी, लाएगी ना, टिकट का दाम बढ़ाएगी ना, उस बढ़ाए हुए दाम को हमें ही भरना पड़ेगा ना। आपकी बात सच है सर। गुड। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने अधिकार के लिए जो चाहे वो करेंगे, अपने हाथों से जो चाहे वो करवाएंगे, वैसे लोगों की बात सुनकर अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद मत करो। समझ गए सर, आज के बाद उन पर विश्वास नहीं करेंगे सर। गुड। मूव। सुनिए माँ जी, बच्चों को सिर्फ जन्म देना ही बड़ी बात नहीं, वो बाहर गए तो वो क्या क्या करते हैं, किसके साथ घूमते फिरते हैं, उन पर नजर रखना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये बात अगर पहले पता चलती तो आज मेरे बेटे के हाथों से मेरा सर नहीं फूटता। इट्स ओके ओके, पहले इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। थैंक यू सर। देखा ना, तेरी चॉइस कितनी अच्छी है, तेरे बॉयफ्रेंड को देखकर मुझे जलन होती है। हाथ में आया हुआ निवाला मुँह तक तो आया नहीं, तो मैं लकी कैसे और तुम्हें जलन क्यों? पके हुए आम को पत्थर मारने से वो गिर जाता है। मतलब? अरे पागल, वो खुद से थोड़ी तेरे पीछे पीछे घूमेगा, तुझे ही उसके पीछे घूमना होगा। Yes? तुम? क्या बात है? घर आए मेहमान को बाहर खड़ा रखते हैं क्या? Oh, I'm sorry. आइए। Thank you. आइए, यहाँ बैठिए। Thank you. क्या काम था? कल स्टूडेंट स्ट्राइक में जिस लड़के की माँ घायल हुई थी, उस लड़के को समझाने का आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। आपकी समझदारी, आपकी इंसानियत बहुत ही प्यारी लगी है मुझे। बाद में? पहली बार मैंने किसी की तारीफ की है, आपका वो रूप मुझे बहुत ही पसंद आया है। उसके बाद? आई लव यू। आप बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो रही हैं। मैं एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हूं, मुझ जैसों के इस समाज में बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं, अपनी उम्र में तो मौत के मौके ज्यादा हैं। मुझसे शादी करोगी तो सुख आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी और से भी शादी करूं तो क्या भरोसा है कि मुझे वहां पर सारे सुख मिलेंगे? ये सब तो नसीब की बातें होती हैं। अगर मेरे नसीब में सुख शांति लिखी है तो वो आपके साथ भी मिल सकती है मुझे। आपके साथ गुजरा एक पल भी मेरे लिए काफी होगा। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, फिर से एक बार सोच लीजिए। नहीं भारत, मैं कितने बार भी सोच लूं, मेरा फैसला वही होगा।
भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अपना पैसा लेने आया था, ये लोग बैंक बंद करके चले गए। मैं अपने बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, कैसे भरूंगा? सारा पैसा तो इसी बैंक में था, मेरा घर डूब गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं हे भगवान, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मुझे तो बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी की शादी। अरे क्या हुआ? बैंक की दिवाली की खबर सुनकर ये शौक से बेहोश हो गई। चलो हॉस्पिटल ले चलो। सर कोई फायदा नहीं है सर, हार्ट अटैक हुआ है सर। उनके ऐसा करने से और कितने लोग मरेंगे पता नहीं है सर। कांस्टेबल चलो हॉस्पिटल ले चलो। चलो 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 चलो। सर सर हम सब सामान्य लोग हैं सर, डिपॉजिट किए हुए पैसे कैसे भी उस चेयरमैन को पकड़ के हमारे पैसे दिलवा दीजिए सर। सर प्लीज लोग धीरज रखिए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस आएगी तो सबसे पहले मुझे ही हथकड़ी पहनाएगी। तेरी तो हम सभी के यहाँ रहते हुए किसमें हिम्मत है जो यहाँ आकर हथकड़ी पहनाएगा तुझे? मुझे बचा लीजिए सर। मैं इसे अरेस्ट करके ले जाने आया हूँ शराफत से। ए, मेरे सामने हथकड़ी पहनाओगे? इतनी हिम्मत? मुझे जनता ने एमएलए चुना है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टाइम। 5 तक गिनूंगा, उसके अंदर उसे छोड़ा तो ठीक। नहीं छोड़ा तो 1 2 3 4 5 नहीं भारत, मैं डीसीपी बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। तुमने ऋषि बैंक के चेयरमैन को अरेस्ट किया है? जी हाँ। मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दो। सर उसने आई नो दैट, डू व्हाट आई से। सॉरी सर, बहुत बैंक डिपॉजिटरों को धोखा देके एक मासूम बुढ़िया की मौत का जिम्मेदार बन गया है सर। जो भी हो उसे छोड़ दो। इस धोखेबाज को छोड़ने के लिए कह रहे हैं सर? भारत इट इज मिनिस्टर ऑर्डर। सॉरी सर, मुझे मेरी ड्यूटी ही जरूरी है, नहीं छोड़ूंगा। ऋषि बैंक चेयरमैन को इमीडिएटली रिलीज करो। मैंने बहुत सिंसियरली गुनहगार को अरेस्ट किया है सर, अब आप छोड़ने के लिए कहेंगे तो मेरी ड्यूटी करने का कोई फायदा नहीं सर। डोंट आर्ग्यू विद मी, डू व्हाट आई से। सॉरी सर, मैं चाहूं तो अपनी ड्यूटी छोड़ सकता हूं, लेकिन उससे नहीं छोड़ूंगा मैं। छी स्टूपिड, वो डीसीपी की बात भी नहीं मान रहा है भैया, वो साधारण आदमी नहीं हो सकता। अगर उसने केस डाल दिया तो मैं और आपका बेटा दोनों फंस जाएंगे भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। मेरे रहते हुए तुम्हें कैसा डर? जैसे मेरा बेटा है वैसे तुम हो, सीधे मैं ही चौकी जाऊंगा, वो कैसे नहीं छोड़ेगा मैं भी देखता हूं। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या इंस्पेक्टर भारत तुम ही हो? जी हाँ सर, बैठिए। असिस्टेंट कमिश्नर कहा तो भी, ड्यूटी कमिश्नर कहा तो भी, इस चेयरमैन को क्यों नहीं छोड़ा? तुम्हें सीनियर अधिकारी कहे तो इतना मजाक लगता है क्या? वो अपराधी है इसलिए नहीं छोड़ा। अरे वो अपराधी है या नहीं इसका फैसला सुनाने के लिए कोर्ट है। एक मिनिस्टर होकर कह रहा हूँ उसे छोड़ दो। पहले मैं अरेस्ट करके उसे कोर्ट में हाजिर करूंगा तब ना सर, वो अपराधी है या नहीं तब पता चलेगा। फालतू का बोल बचन सुनाकर मुझे ही पढ़ाने चला है क्या? फर्स्ट यू रिलीज हिम। लोग दिन रात एक छांव में मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं,
अपने बच्चों के भविष्य के लिए चार पैसे बैंक में रखते हैं। उस बैंक के मतलब को उल्टा करके उन लोगों को धोखा दिया है। यह सुनकर उस औरत को दिल का दौरा पड़ा और वो लाश बनकर रह गई है। इतने तमाम लोगों की परेशानी का कारण बना ये। इस गंदे इंसान की पैरवी करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, इससे आपका क्या रिश्ता है? सर प्रेस मीडिया वाले आए हैं सर। well done, my boy. This is the right place for him. आइए आइए आइए। आप यहाँ क्यों आए हैं सर? अरे सर आप यहाँ पर? सर आप यहाँ आएंगे सोचा नहीं था। डिपॉजिट रुपए करोड़ों करोड़ों हजम करने वाले चेयरमैन को विदेश भाग जाने से पहले अरेस्ट करके खींच कर ले आए इसे सही को बधाई देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पुलिस वाले प्रेस वाले दोनों मेरी आंखों की तरह हैं। सब भारत जैसे रहेंगे तो हमारे जैसे मंत्रियों का काम आराम से हो जाएगा। वेल डन माय यंग बॉय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आता हूँ आता हूँ। मिनिस्टर तुम्हें छुड़वाने क्यों आया था? उसका तेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? तेरा सगा वाला है, फ्रेंड है या पार्टनर है? उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है सर। वो क्यों आया था मुझे पता नहीं सर। सर प्लीज सर मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सच सच बताओगे तो मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवा सकता हूँ, नहीं तो तुम इस केस से बाहर कभी नहीं आ सकते हो। सर अगर मुझे बचाएंगे तो सच बताऊंगा सर। बोलो। इस बैंक का दीवाला उठाने वाला वो मिनिस्टर है सर। वो रावी सला 100 करोड़ लिया सर। उसे मैंने कहो 7 करोड़ दिया सर। और किस किस को बहुत कुछ दिया है सर। आखिरी बार मुझे उसने 30 करोड़ दिया है सर। आप मुझे मार रहे हैं। वो मिनिस्टर का बेटा मजाक कर रहा है सर। कौन है? क्या कर रहे हो? कौन आओ? ए क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। क्या कर रहे हो? अरे सोने में कौन मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है? अरे कौन है? हेलो कौन? सिटीजन। कौन सा सिटीजन है? ओरिजिनल। ओरिजिनल कौन? डुप्लीकेट कौन है पता है तुम्हें बेटा? बैंक को धोखा देने वाला डुप्लीकेट सिटीजन और सच उगलवा लेने वाला ओरिजिनल सिटीजन। क्या आखिर तुमने फोन क्यों किया? ऋषि बैंक का तुमने ही दिवाला निकाला है। टोटल 200 करोड़ रुपयों को तीसरी आंख के बिना पता चले कल सुबह 10 बजे बैंक में जमा करना होगा। नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें बताएगा। डैड, अगर आपने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जान से मार डालेगा। आप इसकी बात मान लीजिए प्लीज डैड, डू समथिंग। अपने बेटे की बात सुना क्या? ए, 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 मैं मिनिस्टर हूँ मालूम है ना? पता है तभी तो तुम्हारे बेटे को अगवा किया है। ए, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में अंदर करवा सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारे बेटे को शूट कर सकता हूँ। डैड ही विल किल मी, डैड प्लीज, डैड प्लीज डू समथिंग। अगर जान बची रही तो कुछ भी कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। 200 करोड़ की जगह 2000 करोड़ कमा सकते हैं डैड प्लीज। सिटीजन के हिसाब से सारा पैसा वापस कर दीजिए प्लीज डैड प्लीज। अब क्या कहते हो? वापस दे दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो। पैसा मिलने के बाद मैनेजर, मैंने जो अभी तक कहा वो सब समझ गए ना? समझ गया सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा सर। मेरे बेटे को सही सलामत घर भेज देंगे यही काफी है। तुम 9 बजे बैंक में जाकर सारे डिपॉजिटर्स को फोन करो, मैं आप लोगों के पैसे वापस दूंगा ये कहकर उनको बुलाओ। कर दूंगा सर। 200 करोड़ कैश ले जाकर एक आदमी तुम्हें देकर जाएगा,
सारा पैसा कैश रूप में सबको दे देने के बाद तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास आराम से भेज दूंगा। ओके ओके सर। मैनेजर शंकर आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। लीजिए इसमें 200 करोड़ हैं, हिसाब कर लीजिए। ठीक है। सुलक्षणा जी ये लीजिए आपका 2 लाख। लोकेश ये लीजिए। थैंक यू सर। गोपाल नमस्ते सर। दिवालिया हुए बैंक से 2 दिन में पैसा मिल गया, ये तो उस महात्मा का ही काम है, उसे कोटी कोटी अपने देश में दिवालिया हुए बैंक से पैसा वापस मिलना है, फर्स्ट टाइम ही कहा। ऐसा सब कुछ तो पहली बार हुआ है भाई। अरे भाइयों डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया, अरे यही बहुत है। कौन है रे वो सिटीजन? मेरे बेटे को किडनैप करके मार डालूंगा कहकर डरा के मेरे हाथों से 200 करोड़ रुपए ले लिया है। आफ्टर ऑल एक एसआई मुझ जैसे इंसान से टकरा रहा है, ये एक मंत्री का अपमान है, इसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। गौर से सुनो एसीपी, वो सिटीजन कौन है, उसके हाथ पैर तोड़कर मेरे पैरों में गिराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। डैड बेटे, डैड बेटे रोहित मेरे बच्चे। बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ डैड। डैड वो सिटीजन दूसरा और कोई नहीं है डैड, वो एसआई भारती सिटीजन है डैड। सचमुच में वो एसआई भारती सिटीजन है तो उसने मेरा डबल अपमान किया है, याद करूं तो खून खौल जाता है। एसीपी अभी उसे सस्पेंड कर दो, बाद में मेरे लोग उससे फुटबॉल खेलेंगे। सर हम अभी से सस्पेंड कर देंगे तो हमारी असली कहानी बाहर आ जाएगी। बैंक रप्ट हुए 24 घंटे के अंदर सभी को पैसा वापस दिलाने वाला अजनबी सिटीजन टॉप हीरो बन गया है। ये बात जानकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आकर उस सिटीजन की तारीफ करते हुए उनको अपने घर बुलाकर सम्मानित किया है। सर सर अपने एसआई साहब उस बैंक मैनेजर की गवाही के आधार पर आप सबको अरेस्ट करने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है सर। वो हमें कहीं का नहीं रहने देगा। हम ऐसे ही खड़े होकर सोचते रहेंगे तो वो हमें अंदर कर देगा, उससे बचने के लिए कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी हमें। सोच लिया मैंने, उसे कहां भेजना है सोच लिया मैंने, सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है वो जल्दी बताओ भैया। उसे खत्म कर देना चाहिए। सर बैंक का चेयरमैन लॉकअप में होते हुए एसआई भरत को खत्म किया तो अभी के सीएम इस केस को सीबीआई को दे देंगे, और वैसे भी विरोधी पार्टी वाले आप पर नजर रखे हुए हैं, इसकी वजह से आपके मंत्री पद को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए भरत का अभी के अभी ट्रांसफर करना ठीक रहेगा। सर करवाना है तो करवाना है, नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर करवा दीजिए, उसे वहीं देख लेंगे हम। अमरचंद सर डीसीपी को फोन लगाओ। कहिए सर। गांधीनगर पुलिस स्टेशन के एसआई भारत को बलिया जिला के दुर्गापुर में ट्रांसफर कर दो। वहाँ क्यों भैया? सिहाद्री तेरे पास भारत नाम के एसआई को ट्रांसफर करवा दिया हूँ, वो यहाँ पर मुझे बहुत सताया है, उसका हाथ पैर तोड़कर अपाहिज बना देना। अपाहिज तो क्या भाई, आप कहें तो वो काम मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो मस्ती में घूम रहा जंगली भैंसा है, उस भैंसे को लगाम लगा के उसे हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखा देना। आपके रास्ते में टांग अड़ाने वाले को आपके पैरों में डाल दूंगा। हाँ तुझ में वो क्षमता है इसलिए उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कूल दैट्स कूल। बैठिए। थैंक यू सर। सर हमने सुना आपका ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे हुआ सर? दुर्गापुर में। अचानक सर? स्ट्रिक्ट राहें तो अचानक ही होती हैं। मिनिस्टर ने करवाया होगा सर। उसके बेटे को किडनैप करके हजम किया हुआ पैसा उल्टी करवा के केस फिट करने के बाद वो मिनिस्टर ट्रांसफर किए बिना चुप नहीं रहेगा। सर दुर्गापुर में कब जा रहे हैं सर? एनी टाइम, वहाँ जाने के बाद भी कभी भी मेरी जरूरत आपको पड़ती है तो आ सकते हैं। सर हम लोग तो भटके हुए गुमराह थे लेकिन आपने हमें रास्ता दिखलाया सर, और हमें अच्छा इंसान बनाया सर। आप कभी भी जब चाहे तब कहिए, वहाँ आकर आप जो कहेंगे वो करेंगे सर। सर आप जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो हमें भी कुछ अच्छा करने का सबक मिलता है सर। सारे आप जैसे ऑफिसर नहीं बन सकते सर, अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ एक शेर हो तो काफी है सर। ओके ओके लेट्स डू इट। थैंक यू सर। हॉट कॉफी। थैंक यू। वैसे कौन से गाँव जा रहे हो? दुर्गापुर में। दुर्गापुर क्यों, तुम्हें पता है क्या? पता है मुझे, उस गांव के आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। काम आने के बाद जाना ही पड़ेगा ना। भारत तुम अगर ज्यादा दिन तक मुझसे मिलने नहीं आओगे ना तो मैं किसी दिन तुमसे मिलने आ जाऊंगी वहाँ पर। तुम्हें कैसी तकलीफ, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। थैंक्स। किस लिए? ये बात कहने के लिए।
खा लो। थैंक यू। ये क्या सर? कंप्लेंट नहीं है, एफआईआर नहीं है, सेल में कोई नहीं है, कोई भी केस बुक नहीं हुआ क्या? यहाँ पे कोई केस बुक नहीं होता सर, हमें कोई काम नहीं रहता। मतलब यहाँ रामराज है सर। आपकी बात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। 10 गांव के राजा सियादरी वही इस गांव के महाराजा हैं। यहाँ आजू बाजू गाँव वालों को उनकी बात माननी पड़ती है। उनकी डाली हुई लक्ष्मण रेखा है। इतना ही नहीं, इस गाँव की सारी पंचायत का फैसला उन्ही के घर से होता है। सियादरी के घर जाकर एक सैल्यूट मारे तो सर की कोई समस्या हो, सर दर्द हुए बिना उसे निभाकर आराम से रह सकते हैं सर। बट वन थिंग मिस्टर विवेक, आप मेरे जैसे, मैं आपके जैसा नामुमकिन है। एनीवे, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। वेल विशर होने के नाते मुझे जो पता था मैंने आपको बताया सर। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, साहब गुड मॉर्निंग सर। अरे जाओ, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम सत्या फ्रॉम दुर्गापुर, यू नो द मीनिंग ऑफ पुलिस। इसे पता नहीं है सर, आई विल टेल यू। पी कहे तो प्यून टू सिहाद्री, ओ कहे तो ओबीएन टू सिहाद्री, एल कहे तो लॉयल टू सिहाद्री, आई कहे तो इनोसेंट टू सिहाद्री, सी कहे तो चपरासी टू सिहाद्री, ई कहे तो एलिफेंट लड़ने के लिए भी सिहाद्री। गुड मॉर्निंग सर, सी यू सर, बाय सर। अटेंशन, अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। वो हमारे पास नहीं आएंगे कह रहे हो क्या? उसका स्वाभिमान देखकर वो आएगा ये डाउट है। छी, वो नहीं आया तो अपना मान सम्मान खराब होके बर्बाद हो जाएगा। बाबू तुम ही कहो, एसआई भरत को सर के बाल पकड़ के सीधे सीधे खींच के ले आता हूँ। तुम उसे बाल पकड़ के खींच के लाओगे तो मेरा बहुत अपमान होगा, उसे ही मेरे पास आना होगा। शांताराम कॉफी दीजिए। नहीं है सर। क्यों? आपके लिए कहा तो इस गांव में कोई कॉफी नहीं देगा ये बोला। मैंने अपने घर से लाना चाहा तो मेरी पत्नी ने भी मना कर दिया सर। पहली मत बुझाइए, मेरी समझ में आया ऐसा बताइए। आप कल ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद सियादरी को देखने नहीं गए ना, इसीलिए इस गांव में आपको कोई कुछ नहीं देगा ऐसा ऑर्डर दिया है। उन्हें बिना बताए इस गांव में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है सर। अगर एक बार आप सियादरी से मिल लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। कॉफी भी मिलेगी सर? कॉफी चाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जाइए और अपना काम कीजिए सर। प्लीज। यस सर। यस सर। हेलो सियादरी, वो ड्यूटी ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ की हुई है, लेकिन अपने कुल के रिवाज से मेरे घर आकर मुझसे नहीं मिला। उसे अपने पे बहुत घमंड है। उसके घमंड को मैं तोड़ दूंगा, मेरी पावर के सामने उस भरत की पावर पैरों की धूल के समान है। ओ ठीक है, वो तो तुमसे मिलने आया ही नहीं ना, उसके लिए तुम क्या एक्शन लोगे बताओ? उसके खाने पीने के, इतना ही नहीं पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिले ऐसा कर दिया। वो सब मुझे पता नहीं है, पहले उसका हाथ पैर तोड़कर लूना बना दो। टेंशन क्यों लेते हो मिनिस्टर, वो तुम्हारे पैर धोकर उस पानी को पिएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। डोंट वरी, अच्छी खबर सुनाऊंगा मिनिस्टर। हेलो, क्या कर रहे हो? खाना पका रहा हूँ। तुम क्यों पका रहे हो? खिलाने वाला कोई भी नहीं है ना, इसलिए। मुझसे शादी की होती तो मैं बनाकर खिला रही होती ना। भारत क्या हुआ? कुछ भी नहीं, खाने के खातिर तुमसे शादी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्या पसंद है? तुम्हारी इन बातों का ये भारत जवाब नहीं देगा। मैंने आपको बहुत सीधा समझा था, उस दिन मेरे पास आकर मुझे किस करके तुमने बुद्धू बनाया था, और अब दूर रहकर मुझे फोन पर बुद्धू बना रहे हो। सर फोन मैं बाद में करूंगा। सर नमस्ते सर। क्या हुआ मोहन? सर रंगा ने उसे मारा है कहकर एक आदमी खून से लथपथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने आया है सर। एक काम करो, तुम कंप्लेन लिखकर सर उसे पुलिस स्टेशन ले आओ। जी सर। तब तक मैं पहुंचता हूँ। ठीक है सर। ओके चल। सर यही है रंगा। हे, तुमने इसे क्यों मारा? साहब ये बहुत दिनों से मेरी औरत को छुप छुप कर देख रहा था, इसलिए मारा। नहीं साहब, ये मेरी बहन की तरह थी इसलिए देखा। देखेगा तो मार देगा क्या? ए चुप रह। ए डालो अंदर। ये लीजिए, हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। ठीक है सर। सर सर
जीप दिखाई नहीं दे रही है सर। क्या? हाँ सर। जीप? जीप दिखाई नहीं दे रही है। जीप दिखाई नहीं दे रही, क्या बात करते हो? जी हाँ सर, चाबी मेरे पास है सर। जीप कहाँ खड़ी की थी? धूप की वजह से पेड़ के नीचे खड़ी की थी। पेड़ के नीचे? सर, किसी ने आकर चोरी की कंप्लेंट लिखवाई तो कंप्लेंट लिख सकते हैं। अब पुलिस की जीप चोरी हुई है, हम कंप्लेंट कहाँ लिखाएं? शांताराम प्लीज, चलो भाई। आज पुलिस जीप को ही कोई ले गया तो? आज पुलिस जीप, कल को पुलिस स्टेशन ही। नमस्ते। आप सभी लोग यहाँ कैसे? केस को वापस लेने आए हैं सर। वापस? जी हाँ सर, यही रंगा की पत्नी है। मेरे पति ने गलतफहमी में मेरे भाई जैसे को मारा है साहब। शांताराम सर, कंप्लेन वापस लेकर इनके साइन करवा लीजिए। यस सर, आइए। मोहन सर, उसे रिलीज कीजिए। सर वो क्या हुआ? हा? क्या बात है? कहा ना मैंने उसे जाकर रिलीज करो, जाओ। सर रंगा अंदर नहीं है सर। व्हाट? अंदर नहीं है वो, कहाँ चला गया? ये तो हमारे साथ धोखा है साहब। राजी करके छुड़ा कर ले जाने आए तो अंदर नहीं है कह रहे हैं, आप ही ने छिपाया है। रंगा को आपने ही कुछ किया है। ओके 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 ओके, देखिए वो जहाँ कहीं पर भी होगा मैं उसे ला करके आप लोगों के हवाले कर दूंगा। कल सुबह होने तक रंगा को नहीं ले आए तो पता चलेगा कि हम लोग क्या करेंगे। ए, चलो रे, चलो यहाँ से, चलो। सच सच बताइए क्या हुआ? सर मैंने तो पहले ही कहा था एक बार आप जाकर सियादरी से मिल लीजिए, लेकिन आप नहीं मिले इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बार आप जाकर सिहादरी से मिल लीजिए, नहीं तो हर बार ऐसे केस होते ही रहेंगे सर। क्या कह रहे हैं आप? वो कौन सा बड़ा भाई है, मेरा सीनियर ऑफिसर है या मिनिस्टर है? मैं उससे डर कर उससे मिलूं क्या? एसआई भरत, अपने डिपार्टमेंट का जीप दिखाई नहीं दे रहा है सर। मुझे कैसे पता चला, शौक हो रहा है क्या? मिस्टर यह कलयुग है कलयुग। अभी कुछ जगह पर ढूंढ कर आया हूँ, फिर से जा रहा हूँ सर। जीप जहाँ भी होगी मैं तलाश कर लूंगा। तुम रंगा को अरेस्ट करके सेल में डाले थे, उसका पता नहीं है कह रहे हो? सर वो, अरे बापू तुम ऐसे ही मसाज करवा के गरम पानी में नहाते रहोगे, सबसे पहले उस एसआई के बारे में कुछ सोचो। तेरा लफड़ा क्या है रे? अब आप उसका कॉफी खाना पीना बंद करवाए हो, ओके? एक बूंद भी पानी नहीं मिला जैसे किए हो डबल ओके। वो सब कुछ समय समय मिले जैसा उसने कर लिया पता है, और अब पुलिस स्टेशन के जीप को सेल में रहे रंगा को गायब कर दिया। अब वो बिना हिले डुले हुए पुलिस स्टेशन के कुर्सी पे चिपक कर बैठा है, लेकिन आपके पास नहीं आया, आपको सलाम नहीं किया। मुझे तो लगता है कि अब आपके पास वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आएगा मेरे बच्चे, जरूर आएगा। सर दुर्गापुर में ऐसी घटना हो गई है, सच में यकीन नहीं हो रहा है। सिहादरी के गांव में पुलिस स्टेशन उड़ा दिया गया, मतलब ये कोई सामान्य बात है क्या सर? जी हाँ, उसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। सर ये पेपर देखिए सर, नक्सलवादी के जगह पुलिस क्यों है? ये तो नक्सलियों का लिखा हुआ है। नक्सलाइट सर? यस। भारत किस समय ब्लास्ट हुआ? रात में करीब 1 बजे हुआ था सर। नसीब अच्छा था सर कि यहाँ पे किसी की जान नहीं गई। एनीवे वी आर लकी, कम ऑन लेट्स गो। हाँ एसपी साहब, आइए आइए। कैसे हैं सिहादरी जी? हाँ अच्छा हूँ। आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। वेरी नाइस। लेकिन पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हुआ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। अरे बैठिए। थैंक यू। हम नहीं चाहे तो भी ऐसी घटना होती रहती है। सच कह रहा हूँ एसपी साहब। हाय डैड। अरे ये है मेरा बेटा अजय। गुड, आओ अजय बैठो। नमस्ते सर। बैठो। सिहादरी जी कोई बात नहीं, आपका बेटा फिल्म के हीरो की तरह है। सिहादरी जी अपने गांव में आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो हादसा हुआ है। अब फिलहाल
आप पुलिस स्टेशन कहाँ तैयार करेंगे? कहा क्यों सर, सोने जैसा दिल, भूत बंगला जैसा घर, वहीं इतना बड़ा घर होते हुए दूसरी जगह क्यों? आप हाँ कहें तो अपने कार गोडाउन को पुलिस स्टेशन बना देते हैं। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। करेक्ट, पुलिस स्टेशन यहाँ रहेगा तो बिल्कुल सेफ रहेगा। सुनो, सिहाद्री जी बड़े ही नामचीन इंसान है इस गांव के। सर, अपनी जीप। भैया, खोया हुआ पुलिस जीप को ढूंढ कर लाया हूँ भैया। शाबाश एसपी साहब, पुलिस जीप का पुलिस स्टेशन से चोरी होना हमारे गांव के लिए अपमान की बात है। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैंने जीप ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। मिस्टर भरत, अगर किसी ने भी चोरी का कंप्लेंट अपने पास दिया तो उसके खोए हुए चीज को ढूंढ कर लाना और वापस करना अपनी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ अपने ही जीप को किसी ने चोरी किया और हमने इन्हें कंप्लेंट भी नहीं दिया तो भी उन्होंने जीप ढूंढ कर ले आकर दिया। डीसीपी, दिस इज वेरी बैड, इट्स ओके। हो गई सर। आपके हिसाब से सभी जगह ढूंढा, एक पुराने बंगले में छिपकर बैठा हुआ था भैया, इसे खींच कर ला रहे हैं हम। ए, खड़ा। सो यहाँ से गायब हुए रंगा को लाकर हमारे हवाले कर रहे हैं। सिहाद्री जी, आपके एहसान को हमारे डिपार्टमेंट नहीं चुका सकता। एसपी साहब, इतनी बड़ी बात मत कीजिए, ये तो मुझसे जो भी मदद बन सकी मैंने की। सुना आपने, जो काम आपको करना चाहिए वो काम इन्होंने किया है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर को फोन करो। हेलो हेलो भाई, वो अब मेरे घर के पालतू कुत्ते की तरह है, कोई अगर आए भौं भौं करके भौंकने की उसकी ड्यूटी है। तूने पुलिस स्टेशन उड़ाया तभी पता चल गया। तुम कितने बड़े शातिर हो मालूम है सिहाद्री, तुम्हारे जैसा हिम्मत करने वाला कोई भी नहीं है। अब सिर्फ एक काम करना, उसका सर काटने के लिए तुम अपना दिमाग चलाओ। साये की तरह तुम मेरे पीछे हो ना भाई, उसके शरीर से मैं पानी निकाल कर 3 तालाब का पानी पिलाकर तुम्हारे पैरों में गिरा दूंगा। उस घमंडी एसआई को मेरी दुश्मनी की आग में जला दो, तभी मेरे दिल को चैन पड़ेगा। दिए हुए वचन को पालन करना, जो कहा है उसे करना, ये मेरे वंश का लक्ष्य है। तुम अभी निश्चिंत हो जाओ। पुलिस वाले कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बापू एक बात बोलूं, आप सामान्य नहीं हो, खतरनाक हो, खतरनाक। अरे बाप रे, उसके दोनों पैर तोड़कर लंगड़ाते हुए घर आए जैसा भागकर तिलक लगाकर बैठाकर अपना वादा पूरा किए हो, शाबाश। ऐसे ही तू भी किचपिच किचपिच हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भरत जी, जली हुई बिल्ली की तरह घूम रहे हैं। खाना पीना पता नहीं, मजा करना पता नहीं, बॉडी का खून बचा नहीं तो खून जम जाएगा ब्रदर। ओ, बोर हो गए क्या ब्रदर, की चाहिए क्या? चल लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। हाहाहाहा
पालतू कुत्ते की तरह हैं। कोई अगर आए तो भौं भौं करके भौंकने की ड्यूटी है उसकी। उसके बदन से पानी निकाल कर 3 तालाब का पानी पिलाकर तुम्हारे पैरों के तले डाल दूंगा। तुम फिक्र मत करो भाई। अजय क्या हुआ बापू? क्या हुआ रे बापू? पुलिस स्टेशन ब्लास्ट बम। ए आग बुझाओ रे बापू। धमाके की आवाज सुनकर मेरा दिल रुक जाएगा, ये जानकर डर लग रहा है बापू। डैडी ये काम अपने अलावा और कौन कर सकता है? नहीं, उसे पता लगाना हो तो पहले लेटर ढूंढना पड़ेगा। ए पानी डालो रे। ए वहां पर पानी डालो, वहां पर। बापू सेम लेटर, सेम मैटर, सेम नक्सलवादी। नक्सल ने नहीं पुलिस ने किया होगा ये काम, उस भारत का ही है। अरे शक कैसा, 100% भारत ने किया होगा। वो पुलिस का कुत्ता हमसे पंगा ले रहा है। ए क्या हुआ सिहद्री? अपने शेड में सेटअप की हो पुलिस स्टेशन को, उस खाकी एसआई ने ब्लास्ट कर दिया। क्या कहा? उसी ने ब्लास्ट किया है क्या? वो खाकी वर्दी का शेर है क्या? मेरे हिसाब से वो एक खतरनाक आदमी है। तुम अपनी हर एक चाल संभाल कर चलना, उसने मुझे फंसाया है और तुम्हें भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, उस घमंडी जंगली शेर को पिंजरे में बंद करके पेड़ से बांध कर हड्डी पसली एक नहीं की तो मेरा नाम सिहद्री नहीं। हेलो, सिहद्री के पास बना हुआ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हुआ है सर। क्या कहा? सिहद्री के पास बना पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हुआ? जी हाँ सर। किसी पे शक है क्या? अपना स्टेशन ब्लास्ट होने पर मिला हुआ नक्सलवादी का लेटर उस जगह पर भी मिला है सर। मतलब अपने स्टेशन को ब्लास्ट करने वालों ने ही इसे भी ब्लास्ट किया है, ऐसा मेरा शक है। दिस इज बैड न्यूज फॉर मी मिस्टर भरत। दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर मी। व्हाट डू यू से सर? ये अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत बैड न्यूज है सर। तुम सही कह रहे हो। कल नए पुलिस स्टेशन को सिहद्री के घर के अंदर सेटअप करूं क्या सर? नो नो नो, कार सेट था इसलिए बच गए, वही घर में होता। ओह गॉड। और कहां सेटअप करूं सर? अब कहीं पे रूम रेंट पे लेकर टेम्परेरी के लिए अरेंज कर लो। ओके सर। क्लीन बोल्ट। आज 15 अगस्त है, इसी दिन अपने देश को आजादी मिली थी। बोलो भारत माता की जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कह के आंदोलन करके अंग्रेजों से मार खा खा करके हमने इस देश को आजादी दिलाया। तब गांधी जी ने क्या कहा था, आधी रात को जवान लड़की बीच रास्ते पर निर्भय कर घूमने के दिन ही अपने देश का सचमुच आजादी मिला ऐसा लगा। लेकिन आज दिन दहाड़े एक औरत के कपड़े निकाल के गांव में भगा रहे देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ। उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने उस लड़की को वस्त्र पहनाना चाहा तो मुझे चौराहे में चप्पल से मारा साहब, चप्पल से मारा। आजादी मिलने से पहले और आजादी मिलने के बाद भी मुझे कुछ भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा है साहब। उन अंग्रेजों के बूट के लात किसने खाया? मैंने। लेकिन आज चप्पल से मार खाने वाला भी मैं ही हूँ साहब। आज अपनों ने मारा। सर मुझे चप्पल से मारा है उसका कंप्लेंट देने के लिए नहीं आया हूँ सर, कंप्लेंट देने के लिए नहीं आया हूँ। आप इस देश के रक्षक हैं, आपके पास अधिकार है। उस अबला लड़की की इज्जत बचाइए, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। उस लड़की को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। छोटे सरकार, उस भरत ने हमें मारा और उस औरत को बचाकर उसे कपड़े पहनाकर हम सबका हवालात ले गया।
ये सब उस मास्टर जी की वजह से हुआ है। क्या किया उसने? पहले उस मास्टर ने उस औरत को कपड़े पहनाने की कोशिश की, बाद में थाने जाकर वो भरत को लेकर के आया साहब। बैठ जाइए आप। शांताराम सर, ध्यान रखना। ठीक है सर। नमस्ते सर। कहाँ है तेरा साहब? वो तो आप ही को ढूंढने के लिए गए हैं, आप उनको ढूंढते हो यहाँ आ गए। बकवास बंद कर। अरे आपका काम तो सच्चा था नाना जी, लेकिन उन्होंने आपको कुछ किया तो क्या मैं बुजदिल बन के रहूँ क्या? क्या बुड्ढे गली में तो जाकर पुलिस कंप्लेन करता है, लेकिन आप बीच बाजार में एक लड़की के कपड़े निकाल के नंगा घुमा रहे तो देखते रहो क्या? अरे 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 अरे, देख कर चुप होना था। अजय और उसके आदमी आकर हम लोगों को मारने की धमकी देकर उस लड़की को ले गए सर। पुलिस डिपार्टमेंट के होकर भी क्या कर रहे थे? क्या करें सर, खाकी वर्दी पहने हुए, डरपोक है सर, डरपोक है। सर सर सर, उस अजय ने मास्टर जी की पोती अपने इस अपमान को बर्दाश्त किए बिना मास्टर जी पागल हो गए और बेटी बेटी कहकर रो रहे हैं सर। हाँ, अटेंशन, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। मास्टर जी ने उनके खिलाफ जो कंप्लेन लिखाई थी उसी की वजह से ऐसा नीच काम किया है इन लोगों ने। हटी, हटी, हटी। सावित्री, बेटी, दीदी, मेरे दीदी को इतनी बेदर्दी से मारा। बेटी, बेटी, सावित्री, दीदी, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखों के सामने मेरी पोती के साथ क्या दुर्व्यवहार किया। आप वहीं पर थे क्या? जी हाँ साहब, मेरी छोटी पोती कॉलेज से अभी आई है। मोहन सर, पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस को फोन कीजिए। जी सर। आप मुझे कंप्लेन लिख कर दीजिए, वो जहां भी होंगे मैं पकड़ कर ले आऊंगा। अपने घर के बाहर बनाए हुए पुलिस स्टेशन को बम से उड़ाने के बाद फिर से यहां पे पैर रखने की जरूरत कैसे की तूने? इस खाकी वर्दी वाले को खींचते हुए ले जाओ और इसके हाथ पैर तोड़ दो। मासूम बेचारी लाचार अबला उस मास्टर जी की पोती का बलात्कार करके जान लेना ही तेरे वंश की शान है क्या? हाँ? क्या है भैया, हमारे घर के सामने पुलिस की जीप? बताओ भैया यहाँ क्या चल रहा है? भरत जी, अपने एसआई भरत जी तेरे अजय को अरेस्ट 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 करने आए हैं। क्या? इस घर के उत्तराधिकारी को? ऐसा है तो एसआई जिंदा नहीं बच पाएगा। अरे बाप रे बाप, बंद कर दो, अब दिखाता हूँ। मुझे अरेस्ट करके अंदर डालोगे तो बाहर नहीं आऊंगा, समझ रहे हो? देख क्या रहे हो, दरवाजा खोलो। हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले तुम लोग,
हमारे पैरों के पास दुम हिलाने वाले तुम कुत्ते लोग अब हमारी बात नहीं मानोगे? मेरे बेटे को मारकर अंदर करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? तेरे बेटे ने मर्डर किया है इसलिए। मर्डर किया है? किसका? सावित्री का, मास्टर जी की पोती का। ऐसा क्या उसने कहा है? सिर्फ कहा ही नहीं, कंप्लेन भी दी है। मास्टर जी आइए, आपकी कंप्लेन। मैंने कंप्लेन नहीं लिखा है सियादरी जी, इन्होंने मुझे डरा कर जबरदस्ती लिखवाया है। ये क्या? सही बात तो बता रहा हूँ। अब क्या कहते हो? ए, सेल ओपन करो। अजय, मेरे बेटे को तूने अरेस्ट किया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो स्वतंत्र समर योद्धा हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो? साहब, मैंने ऐसा करके अंदर ही अंदर कितना तड़प रहा हूँ आपको पता नहीं है। ऐसे हालात परिस्थिति में किसी को भी नहीं आना चाहिए। क्या है वो परिस्थिति? दिया हुआ कंप्लेंट वापस नहीं लिया तो। सावित्री के साथ जो हुआ, संध्या के साथ भी वही होगा कहकर डरा दिया। उन कातिलों से कोई भी आफत नहीं आए, आपके लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन मैं दिलाऊंगा। दोबारा कंप्लेन लिख कर दीजिए, एक बार उस जैसे को पनिशमेंट देंगे तो फिर कभी कोई भी ऐसी नीच हरकत नहीं करेगा। पनिशमेंट, प्रोटेक्शन, सब कुछ पुलिस वालों के हाथ में रहता है। हर दिन आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे क्या भरोसा है? एक दिन, दो दिन, नहीं तो एक हफ्ता, एक महीना, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? दुश्मनी करने वाला खत्म करने तक चुप नहीं रहेगा। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, दया करके आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए, जाइए। संध्या मेरी पत्नी है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपने जल्दबाजी में फैसला लिया लगता है, एक बार आप सोचिए। जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोचकर ही फैसला लिया है। आपने ये फैसला जल्दबाजी में लिया या सोचकर लिया, मैं आपसे नहीं पूछूंगी। मेरे लिए नाना जी जरूरी है और आपके लिए आपकी ड्यूटी जरूरी है। मेरी दीदी के जैसे बहुत सी लड़कियों ने अपनी जान गंवाई है। इस फैसले की वजह से अगर मेरे गाँव का कुछ अच्छा होता है तो वो मेरा नसीब होगा। गुड नाइट। तुम्हारे दिल में क्या है सोचे बिना ही जल्दबाजी कर दी, मुझे माफ कर दो। गुड नाइट। Defense lawyer, you can proceed your arguments. Thank you, Your Honor. Your Honor, दयाराम नाम का ये आदमी उम्र ज्यादा होने की वजह से इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए गवर्नमेंट के डॉक्टर ने परीक्षा करके उस मेडिकल रिपोर्ट को अदालत के आदेश के अनुसार उस रिपोर्ट को मैं अदालत में सबमिट कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए, यही मेरी अदालत से दरखास्त है। दयाराम नाम के इस आदमी ने एक बार कंप्लेन लिखाई, बाद में उसने बोला नहीं लिखाई, फिर बोला उसने लिखाई। डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ये मानती है कि इनकी याददाश्त ठीक नहीं है और इनकी गवाही को मानने से इनकार करती है और इस केस को खारिज करती है। मैं
चलो मुन्ना चलो अजय। इंस्पेक्टर साहब, इस देश को आजादी दिलाने के समय में मैंने जी जान से मदद किया है, ऐसे आदमी को ये दुष्ट और ये अंधा कानून यादाश्त नहीं कहकर मुझे पागल करार कर दिया। इतना कुछ होने के बाद कौन सा मुंह लेकर वापस जाऊं मैं, कैसे जीऊंगा मैं? दुखी मत होइए, सच्चाई की हमेशा से विजय ही हुई है। भारत भारत, कौन? हाय संध्या, तुम यहाँ कैसे? अरे आओ बताती हूँ, कितने साल हो गए तुम्हें देखे। तुम भी तो टच में नहीं थी ना यार। ठीक है, पर अचानक कैसे आई? सिटी में मैं और भारत फ्रेंड्स हैं। अरे कमाल हो गया, हम दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी? डाउट है, ये मंगलसूत्र। क्या यार, शादी में नहीं बुला सकी तो नाराज हो गई है क्या? शादी करूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर कुछ फैसले हमारे लेने से पहले अपने आप ही बन जाते हैं। रुको यार, मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, सपना 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 सपना, अरे कहाँ चली गई? कौन? आपसे मिलने के लिए सपना आई थी। ये लो। कौन सी सपना? हा? अरे वही जी, आपकी शहर की फ्रेंड सपना। शहर की? सपना यहाँ आई थी? कहाँ है वो? अपने घर चली गई वो। उनके घर को? किसके बारे में बात कर रही हो? अरे उसका नाम सपना है, वो सिमाद्री की बेटी है और सिटी में वो आपकी फ्रेंड है। आप खाने के लिए आइए। सिमाद्री की बेटी है? तुमने ऐसा क्यों किया भारत? तुम पर कितना भरोसा किया था मैंने, तुम्हारे प्यार में पूरी तरह डूब के कितने सपने देखे थे मैंने। अब मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे, मेरी चाहतें अधूरी ही रह जाएंगी। ओह माय गॉड, ये बात तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई एम सॉरी सपना, मुझे ऐसा करने की वजह उस दिन के हालात से मजबूर था। तुमने जो किया शायद तुम्हें सही लगे भारत, लेकिन इस बात को समझने की शक्ति मुझ में नहीं है। सपना प्लीज, अब क्या मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? तुम्हारी ये खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है भारत। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। ए अजय, उस हरामी भरत ने संध्या के गले में मंगलसूत्र पहना के, उस बुड्ढे के हाथों फिर कंप्लेंट लिखवा के हमें अदालत में खींचकर हमारी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। डैडी, उसके मुंह से गवाही दिलवाने के लिए यह आइडिया उस भरत का ही होगा, इसीलिए उसने उससे शादी की। ए, उसने उससे शादी की है, ऐसे ही छोड़ दिया तो? भारत, सपना, भारत, क्या हुआ सपना, जल्द आने के लिए फोन किया? संध्या को खत्म कर दो, ये बात मैंने डैडी के मुंह से सुनी, तुम जाकर उसे बचा लो। भारत, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके सर। क्या हुआ सर? संध्या मैडम को वो अजय जीप में ले गया है सर। अरे संध्या संध्या बेटी संध्या, अरे भगवान कैसी सजा दिए हो साहब, देखा आपने, देखा आपने इस अत्याचार को, मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया। भगवान भगवान क्या ऐसा है सब कुछ, उस दिन मेरी बात नहीं सुनी आपने, बंदी बनाकर रक्षा करूंगा कहकर लाश लेकर घर के सामने सुनाए हो ना। अरे 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 अबे चली गई है, अब किसके लिए जीऊंगा और क्यों जीऊंगा? बेटी संध्या इस बूढ़े नाना जी को धोखा देकर चली गई। बेटी बेटी संध्या संध्या बेटी बेटी संध्या। उस दिन के किए हुए फैसले की वजह से एक और जान चली गई है। बेटी संध्या मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बच्ची मेरी बेटी संध्या।
मास्टर जी, मास्टर जी। सर, आप जैसा मुझे समझते हैं, मैं पागल नहीं हूं सर। जी हाँ सर, उस सिहादरी ने मेरे साथ अन्याय किया। उससे लड़ने की शक्ति युक्ति ना होकर इतने दिन पागल की तरह नाटक करके जी रहा हूं सर। मैं मौके का इंतजार कर रहा हूं सर, सिहादरी से टकराने की आपकी हिम्मत देखकर आपके पास सच बताना चाहा सर। उस सिहादरी के घर में मैं काम करता था सर, ईमानदारी से काम किया सर। उस घर में मैं काम करने के समय अपनी गली में मैंने एक लड़की से प्यार किया था सर। उस बात को सिहादरी को बताया, अपनी हमला को कत्ल करके दफन कर दिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ये बात आप जैसे लोगों को बताओ तो भी कोई फायदा नहीं, इसलिए किसी को नहीं बताया सर। अब आपके अंदर का दर्द, आपके साथ हुए अन्याय को देखकर सहन किए बिना ये बात बता रहा हूं सर। सर, उस लाश को उसने कहां दफनाया है मैं बताता हूं सर। सहवान ने कितनी बेरहमी से मारा है, देखो सर देखो। उसे छोड़ना मत सर, उसे छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत। इतने लोगों के मौत के जिम्मेदार अजय को और उसके बाप सिहादरी को छोड़ना मत सर, छोड़ना मत। ये ही मेरा गवाह है। ये पागल, पागल मैं नहीं हूँ, तुम हो। कमला मैडम को कत्ल करके जमीन में दफनाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर, डैडी। इंस्पेक्टर, तूने मेरे बेटे को फिर अरेस्ट किया? तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं, उसे पहले छोड़ दे, जा। छोड़ दो। ए, ऐसे क्या देख रहा है, छोड़ता कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मास्टर जी को डरा धमका करके यहां से तेरे बेटे को छुड़ा कर ले गए। ये सत्या, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं। अब गांव वाले तेरी बात नहीं मानेंगे और ना ही वो तुझसे डरेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप सीधे यहां से निकल जाओ। ए, मैं आगे जरूर जाऊंगा, पीछे मुड़ना इस सह्याद्री की आदत नहीं है। डैडी, डैडी,
माँ की। मेरे गिरेबान पे हाथ डालता है, तुझे सही सबक सिखाए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी ए अजय, मैं आऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए पगले, बाहर आने दे मुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ए, तू बाहर आएगा ये भी उम्मीद है तुझे? अदालत में तेरे खिलाफ गवाही देकर तुझे फांसी दिलाए बिना नहीं छोड़ूंगा। ए, पगले। सारे गांव वालों की मौजूदगी में मेरे बेटे को गलियों से मारते हुए ले जाकर अंदर कर दिया। वो सब कुछ मुझे याद आता है तो मेरा खून खौलता है। इतना ही नहीं, मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ भी मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। वो पुलिस वाले, वो गांव वाले उस भरत को सपोर्ट कर रहे हैं। इस सारे अपमान को सहन करके मैं एक बेवकूफ की तरह घर पर आ गया। भाई तुम डीसीपी को फोन करो, होम मिनिस्टर को फोन करो, मुझे कुछ नहीं पता। जेल में कैद मेरे बेटे को कैसे भी करके अभी रिलीज करवाओ, ये मेरी इज्जत का सवाल है भाई। मेरे अंदर के ज्वालामुखी को ठंडा करना है तो उसका सर कुचल के उसका अंत करना होगा। जी हाद्री, तुम जितने दुखी हो रहे हो मैं भी उतना ही दुखी हो रहा हूँ। तुम्हें उससे जितनी दुश्मनी है उससे 100 गुना ज्यादा दुश्मनी मुझे है। लेकिन क्या करें मेरे भाई, कुछ भी नहीं करने की परिस्थिति में हाथ पैर बंद पड़ गए हैं। सीएम भी कुछ नहीं कर सकता। ये केस कोर्ट में जाने के अलावा अपने पास दूसरा रास्ता नहीं है। सियाद्री तुम हिम्मत से काम लो, मैं कुछ भी जंतर मंतर करके तेरे बेटे को छुड़वा दूंगा। एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उन गुनाहों के तहत धारा 302 376 सेक्शन के तहत गुनाह करने वाले मुजरिम अजय को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया जाता है। इनके आरोपों पर विचार करके 10 दिन के अंदर मुजरिम को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया जाता है। ए मिनिस्टर, अजय को मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी में भिजवा दिया है। रूल्स के हिसाब से जो करना है वही कर रहे हैं। तूने कहा था कोर्ट में मैनेज करूंगा। मैनेज करना कहे तो इस केस के जड़ तक पहुंचना पड़ता है। पूछताछ कहे तो एक बात याद आ गया सियाद्री, इस केस के चश्मदीद गवाह उस पागल को, उसे किसी भी तरह कोर्ट में मत आने देना। ना नुकुर किया तो उसे खत्म कर दो। ओके मिनिस्टर। ए, तू अब भी बाहर आएगा उम्मीद है तुझे? कोर्ट में गवाही दूंगा और तुझे फांसी के तख्ते पर लटकाऊंगा। हाय, तुम सब बाहर निकलो, नहीं आओगे तो तुम सबको खत्म कर डालूंगा। ए, वो पागल कहीं भी छिपा हो उसे मेरे सामने लाओ, नहीं तो याद रखना तुम लोग, तुम्हारे इन झोपड़ों को चला दूंगा। ए, कोर्ट में गवाही दोगे तुम? ए, तुम सब हट जाओ नहीं तो सबको गोली से भून दूंगा मैं। बापू, 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 आज की ताजा खबर, आपके लीगल बेटे को मार दिया है। क्या बकरा है तू? मेरा बेटा अजय जुडिशियल कस्टडी में है। वो ओल्ड न्यूज है, मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज, मैं सच बता रहा हूँ बापू, मुझे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया है। मुझे भी मारने के लिए आ रहे थे, वो कालिया, वो पागल, वो बटला, सभी मिलकर चाकू से काट कर कीमा बना दिया है। आंखें बाहर आ गई हैं, हाथ काट दिया गया है, पैर काट दिया गया है। उसे देख के मुझे डर लग रहा है बापू। मेरे बेटे की चिता बुझने से पहले उन गांव वालों के घर जल जाने चाहिए। मेरे बेटे की लाश राख होने से पहले
उन सब के घर राख हो जाने चाहिए। देखो ना सर, सारे घर को कैसे जला दिया है सर, देखो ना। साहब सियादरी ने हमारे झोपड़ों को आग लगाकर राख कर दिया साहब। बीवी बच्चों को लेकर सड़क पे आ गए साहब, आप ही हमें बचाइए, आप ही बचाइए। आप सभी हिम्मत से रहिए, अब वो सिमाद्री अकेला है, गांव वाले सभी अपने साथ हैं। हाँ, हम सभी अभी उस गांव में जा करके, हम सभी एक साथ रह करके सिमहाद्री की मौत का इंतजार करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तू खा ले ये कसम, मर के ही सही, छीन लेंगे हम खुशी। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही, छीन लेंगे हम खुशी। डर के नहीं जीना जिल्लत की जिंदगी, आ गई है आज यार वैसी ही घड़ी, खात्मा करेंगे मिलके हम सभी इन जालिमों का। अब हो जा तू होशियार, होशियार, होशियार। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही, छीन लेंगे हम खुशी। गरीबों की जिंदगी महंगा है खून से पानी, शीशे के घरौंदे में रहते ये इनकी बातें हैं निराली, इन महलों वालों को किस बात का हम, दो बूंद पानी को तरसे यहाँ हम। मानवता आज मांगती जवाब है, हो जागो जागर। अब हो जा तू होशियार, 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 होशियार। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही, छीन लेंगे हम खुशी। इम्तहान देना है आओ हम बता ही दें, जुल्म के सिकंदर को मिलके आओ आज दिखला ही दें। बांध कर कफन अब निकलना ही होगा, साथ हमें मिलकर अब चलना ही होगा, हर दिलों की आज एक ही आवाज है, हो जागो जागर। अब हो जा तू होशियार, 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 होशियार। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही, छीन लेंगे हम खुशी। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही, छीन लेंगे हम खुशी। डर के नहीं जीना जिल्लत की जिंदगी, आ गई है आज यार वैसी ही घड़ी, खात्मा करेंगे मिलके हम सभी इन जालिमों का। देना है जवाब उसे आज हर हिसाबों का। सिटीजन चलो, सिटीजन चलो, चलो अंदर चलो। सिटीजन सर, थैंक यू सर। सिटीजन बापू, उस खाकी वर्दी वाले ने वाट लगाऊंगा, तेरी लगाऊंगा कहकर
मेरे शरीर के रोंगटे 90 डिग्री में खड़े हो गए बापू। शाम को कहीं का मेरे दुश्मन के गुण गाता है, शर्म नहीं आती तुझको? ए, हाँ सरकार। उस भरत का सर काट कर मेरे कदमों में डाल दो, जाओ। ठीक है सरकार। ओह माय गॉड। हेलो भरत, मैंने डैडी को मिनिस्टर से कुछ बातें करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि तुम्हें खत्म करके तुम्हारा सर काट के उनके पैरों के नीचे डाल दिया जाए। तुम संभल के रहना भारत। सपना, घर के चोर को ईश्वर भी नहीं पकड़ सकता, तूने साबित कर दिया। उसने तेरे भाई को मारा है। But daddy, I love him. Love? सिटी से स्टार्ट होकर अब गांव तक आ गया है। मेरे दुश्मन से प्यार करने की तेरी इतनी हिम्मत? मैं जितनी हिम्मत है ना, मेरे पवित्र प्यार में भी उतनी हिम्मत है। अपने बेटे को खो चुका हूँ, फिर से तू अगर उससे मिली तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, पापू, इसे अंदर लॉक कर दो। डैडी, बड़ी आई प्यार करने वाली। नागराज, दरवाजा खोलो। सर ले आकर तेरे पैरों के नीचे डालने के लिए इन फालतू लोगों को भेजा था, लेकिन मैंने इनका सर निकाले बिना ईमानदारी से इनकी जान बख्श दी है। ए, अब तुझे पता चल गया ना ये भारत क्या चीज है? अगर मैं चाहूं तो एक मिनट के अंदर तेरी जान ले सकता हूं, लेकिन इन चार दीवारों के बीच तुझे मारूंगा तो सिर्फ यहां रहने वालों को ही पता चलेगा। कोर्ट में तेरे ऊपर खून का इल्जाम लगाकर तुझे फांसी दिलवाने की शक्ति युक्ति मेरे पास है, लेकिन रूल्स के हिसाब से तुझे पूछताछ करके गवाही दिलवा के तेरे सारे जुल्मों को साबित करके तुझे फांसी की सजा दिलवाने के लिए कई सालों लग जाएंगे। तब तक तेरी क्राइम स्टोरी बहुत पुरानी हो जाएगी, इसलिए कल ही तेरी मौत का मुहूर्त है। तुम तेरे मिनिस्टर को, तेरे चमचे लोगों को, कितने लोग हैं सभी को बुला लेना। आने वाले कल में 12 बजे गांव के हनुमान जी के मंदिर के पास जनता की अदालत के सामने इस केस को विचार विमर्श करके तुम्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगा। दिस इज माई चैलेंज। ए, तेरी तो। ए, सपना कहाँ है? ए, अरे बाप रे। भारत, चलो। भारत, सपना रुको, कहाँ जा रही हो? अब तो पता चल गया ना भारत क्या चीज है। कितनों को मार चुके हो आप, कितनों पर अत्याचार कर चुकी हो। शी, आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। चलो। सगी बेटी आपसे नफरत करने लगी, अब हम भी आपके पास काम नहीं करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो, यहाँ काम नहीं करेंगे। चलो चलो। बापू, सभी चले गए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बापू। किस लिए पता है? तेरी बर्बादी देखना है ना। तो फोन 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 मिनिस्टर ने किया होगा। हेलो हेलो, क्या सिहद्री? उस भरत ने मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती की, मेरी बेटी को उठाकर ले गया, मुझे चैलेंज करके गया है। क्या उसकी चैलेंज? भाई, गांव के बाहर मंदिर के पास जनता की अदालत के सामने विचार करके कल 12 बजे मुझे फांसी दिलवाकर मेरी जान ले लेगा, ऐसा बोलकर वो मुझे चैलेंज करके गया। भाई, वो जो कहकर गया जरूर करेगा। भाई, डर लग रहा है। जब तक तुम मेरे साथ में रहोगे तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका गेम मैं बजाऊंगा। कल पुलिस बंदोबस्त के साथ मैं तेरे गांव आ रहा हूँ।
उसने जिस जगह कहा था वहीं तुम्हें बिठाऊंगा और मैं तेरे बगल में बैठूंगा। चारों तरफ पुलिस रहेगी, मैं भी देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे खत्म करेगा। बापू टाइम टाइम बकवास बंद कर। बापू 12 बज गए हैं। मेरी माँ से प्यार किया था सर। मेरे पैदा होने के बाद तेरा बाप यही कहकर लोगों को बताए बिना मेरी माँ ने शादी कर लो कहा, तो तब इसने मेरी माँ का गला दबाकर मार दिया था सर। बचपन में ही मुझे मेरी माँ की मौत देखनी पड़ी थी सर। इससे बदला लेने के लिए इल्लीगल बेटा बनकर इसके पास काम किया सर। अब वो मौका मिला है सर, इसे नहीं छोड़ूंगा। इस सिमरात्रि को फांसी की सजा दे रहा हूँ। इस मंत्री कालिया ने रूबी बैंक अपने बेटे के हाथों स्थापित करके जमा किए हुए लोगों के पैसों को बिना मिनामों से चोरी करके बैंक का दिवाला निकाल के एक औरत की मौत का जिम्मेदार बना है। असल में सिहाद्री के खून खराबा करने का कारण भी यही है। गुनहगार को साथ देने वाला भी गुनहगार के समान है। इतना ही नहीं, शपथ स्वीकार करने के समय सच्चाई से काम करने को कहकर भी वादा भुलाने वालों को इसीलिए फांसी की सजा सुना रहा हूँ। हम कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई भी अदालत हमें सजा नहीं दे सकती। गवाहियों की अदला बदली करके ताकत के बल से, पैसों के बल से, अहंकार से लोगों की जान लेने वालों के दिलों में डर पैदा करने के लिए ही ऐसी जनता की अदालत में विचार विमर्श करके फांसी की सजा सुना रहा हूँ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को जब पत्थरों से मारोगे तो इनको समझ में आता है। गांव के लोगों को नींद से जगाकर नए कानून को अमल में लाना होगा। कोई छुए तो उसके दांत तोड़ देने चाहिए, कोई हाथ लगाए तो उसके हाथ काट देने चाहिए, बलात्कार करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए, कत्ल करने वाले को सरेआम फांसी देनी चाहिए। ऐसा देखने वालों को, सुनने वालों को, कोई भी हो, ऐसा कुछ करने को सपने में भी नहीं आना चाहिए। गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा नहीं देंगे तो हमारे देश के कानून का अपमान होगा। इसके लिए हर सिटीजन आगे आएगा। यस, जरूर आएगा। इन दोनों हत्यारों को और इन देशद्रोहियों को फांसी की सजा दूंगा। कानून को अपने हाथ में लेकर गुनहगारों को सजा देना भी एक गुनाह ही है, और इन लोगों को सजा दे करके कानून के निगाह में मैं भी गुनहगार हो गया हूँ। इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। मेरे सामने ऐसे सर झुकाएंगे तो डिपार्टमेंट का अपमान होगा। सिर उठाइए सर, मैं अपने किए हुए गुनाह को कबूल करता हूं। कम ऑन, अरेस्ट मी। भारत, एक सिटीजन को कैसा होना चाहिए तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया। तुमने जो काम किया है उससे इस समाज को भला हुआ है। इस देश के लिए ऐसे ही सिटीजन की जरूरत है। थैंक यू सर। सपना, भारत, आई एम प्राउड ऑफ यू।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद।